जीवन सफल बनाओ जी, मारो जीवन सफल बनाओ जी, प्रभु मन मंदिर में आओ, प्रभु मन मंदिर में। भव भव में भम तो आयो, भव भव में भम तो आयो, नर्तन यह उत्तम पायो, नर्तन यो उत्तम, मारी नैया पार लगावो जे, मारी नैया पार लगावो जे, प्रभु मन मंदिर में आओ, प्रभु मन मंदिर में। थे तीन भुवन रा स्वामी, थे तीन भुवन रा, घट घट रा अंतरयामी, घट घट रा अंतरयामी, मारे अंतर ज्योति जगावो जे, मारे अंतर ज्योति जगावो जे, प्रभु मन मंदिर में आओ। जगत के समस्त जीवों के दुखों को जानकर सुखी बनने के लिए धर्म का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, देव और गुरु की भक्ति करने के लिए आप और हम सब यहाँ पर धर्म स्थान में उपस्थित हुए हैं। धर्म स्थान में आने के बाद अपने हृदय में केवल और केवल परमात्मा का और गुरु का निवास होना चाहिए। यहाँ आकर के भी तेरे मेरे की पंचायती में लग जाए तो फिर हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जिस समय में परमात्मा की भक्ति चलती हो, परमात्मा का दिव्य धर्म संदेश चल रहा हो, उस समय में मनोयोग पूर्वक परमात्मा के एक एक वचन, परमात्मा की दिव्य वाणी हम इन कानों के द्वारा श्रवण करते हुए मन में अत्यंत प्रसन्नता और खुशी का अनुभव करें। जो वाणी परमात्मा ने गौतम स्वामी को सुनाई थी, जो वाणी परमात्मा ने सुधर्मा स्वामी भगवान को सुनाई थी, वो वाणी आज हमें यहाँ पर गुरुदेवों के चरणों में बैठ करके श्रवण करने को मिल रही है, ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा बहुत अच्छा नसीब है। तब हम परमात्मा की वाणी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो केवल घर धंधे में लगे रहते हैं, अपने व्यवसाय में ही लगे रहते हैं, वो परमात्मा की वाणी से अपने आप को वंचित रख लेते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, जो आरंभ समारंभ को छोड़ करके यहाँ गुरु चरणों में परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आए हैं और परमात्मा को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आए हैं। और वही बात अभी कवि ने आपके सामने रखी थी,
प्रभु मन मंदिर में आओ, हे परमात्मन आप मेरे दिल में आकर के निवास करो, आप मेरे मन में आकर के आवास करो, यह भक्त की भावना परमात्मा के प्रति होती है, तब सच्चे अर्थों में जीवन के अंदर भक्ति घटित होती है। ऐसी भक्ति करने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, परमात्मा से साक्षात्कार करने की आवश्यकता है, परमात्मा से और गुरु से तादात्म्य जोड़ने की आवश्यकता है, और जब वो भाव जीवन में बनेगा तब जीवन का उत्कर्ष होगा, और ऐसा कार्य जीवन में तब संभव बनता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्य विमुख हो जाता है वो न यहाँ संसार में सुखी होता है और न परलोक में सुखी होता है। इस लोक में और परलोक में अपने जीवन को यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, और जिनके दिल में कर्तव्य भावना होती है वो हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। और ये बात हमारे यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से आपके सामने बताई जा रही है। जिस समय शायर और नीर अपने घर की चर्चा कर रहे थे, अपने घर की कथा कर रहे थे, और वे कथा करते हुए पंडाल में बैठी हुई, तंबू में बैठी हुई महारानी मलयागिरी के कानों में जब शायर के वे शब्द पढ़ते हैं तो उनके अंतर में वो उत्सुकता जागृत होती है, ये बालक जिनके लिए हम पिछले 12 वर्षों से अलग हो गए थे, ये बालक हमारे बालक हैं, ये पुत्र हमारे हैं, और वो हमारे घर की चर्चा कर रहे हैं, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए महारानी मलयागिरी के मन में इतनी उत्कंठा जागृत होती है कि वो तत्काल तंबू को चीर करके और उन बच्चों से मिलने के लिए उधर कदम बढ़ाती है। उस समय में शायर उनसे कहता है, युग युग से भारत ने यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, रुक जाओ लौट कर पुनः स्थान पर जावे, जो पाप विचारा उस पर तुम पछताओ, रुक जाओ लौट कर पुनः स्थान पर जाओ, जो पाप विचारा उस पर तुम पछताओ, मत फेरो अपने शील धर्म पर पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। अर्धरात्रि के समय में शायर और नीर की उस कथा को सुनकर के मलयागिरी के दिल में अपने पुत्रों से मिलने की चाह जगी, और वे दरवाजे में से नहीं लेकिन वहीं से तंबू को चीर करके और उन दोनों युवा बच्चों के सामने चली जाती है। उस समय में शायर बहुत उग्रता के साथ में और बड़े विनम्रता के साथ में उनसे कहता है, रुक जाओ लौट कर जाओ अपने स्थान पर, अपने स्थान पर जहां से तुम आई हो यहीं से वापस लौट जाओ और अपने स्थान पर चले जाओ, और साथ ही कहना चाहूंगा जो तुमने अपने दिल के अंदर अन्यथा विचार लाए हैं, बुरे विचार लाए हैं, उन विचारों का पश्चाताप करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो और हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ पर हमें नियुक्त किया गया है, बंजारे के पंडाल की सुरक्षा रखने के लिए, इस पूरे खेमे की सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है, और इसलिए हम अपने कर्तव्य का पालन करें और आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वापिस यहीं से उल्टे पैर लौट करके अपने स्थान पर चले जाओ। सुन वचन सुहाने माता मन हर्षाए, शायर के ये शब्द सुनकर के माता को रोष नहीं आता है, उनके दिल को आवेश और आक्रोश नहीं आता है, परंतु शायर के शब्दों को सुनकर सोचने लगती है, ओहो
क्या इनके उत्तम विचार है, क्या इनके श्रेष्ठ विचार है। सुन वचन सुहाने माता मन हर्षाए, मैं हुई निहाल जो ऐसे रत्न है मैंने पाए। सचमुच ऐसे रत्न, ऐसे पुत्र जो मेरे उदर से जन्म लेकर के ऐसे सदाचार का पालन कर रहे हैं और जिस कर्तव्य भावना से यहां पर ये अपना कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए जो शब्द इन्होंने मेरे लिए कहे हैं इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन महारानी मलयागिरी अपने पुत्रों को संकेत करते हुए कहती है, ए प्यारे सायर नीर सुहाने लाला, आना आनंदित हो मलियायो वचन उचारे, क्या जननी को यो पुत्र कहीं फटकारे, पहचानो मुझको समझो मत अनजानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। और वो रानी मलियागिरी शायर और नीर को संबोधित करते हुए कहती है, ए प्यारे सायर नीर सुहाने लाला, गोदी में खेलो चंदन कुल उजियाला, मलियागिरी माता बोल रही है वाणी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। अपने प्यारे पुत्रों के सदाचार भरे शब्दों को सुनकर रानी का रोम रोम पुलकित हो जाता है, उनका कण कण हर्षित हो जाता है। मेरे ये पुत्र, क्या सदाचार इनके जीवन में समाया हुआ है, और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए एक परिस्त्री को कैसे फटकारना चाहिए, उन्हीं शब्दों में मुझे इन्होंने फटकारा है। अभी इनको ये पता नहीं कि मैं इनकी माता हूं, और इन्होंने परिस्त्री समझ करके हमारे लिए वो शब्द कहे थे। उन शब्दों को सुनकर रानी इतनी आनंदित होती है, इतनी प्रसन्न होती है, इतनी खुश होती है। सचमुच में भाग्यशालियों, ऐसे कर्तव्य पालन करने वाले, ऐसे निष्ठा से कार्य करने वाले व्यक्ति अपने दिल के अंदर परमात्मा को स्थान देते हैं, अपने हृदय में गुरु को निवास देते हैं, जो अपने कर्तव्य और सदाचार का पालन करते हैं। वह माता मलियागिरी अपने पुत्रों से कहती है, पुत्रों तुम्हारे उद्गारों को सुनकर मेरा हृदय हिल गया है। सचमुच तुम्हारे उद्गार ऐसे ही होने चाहिए। पर स्त्री को माता और बहन के समान समझने वाला पुरुष इस दुनिया के अंदर धन्य होता है। मोटी को माता गिने और बराबरी की बहन, छोटी को बेटी गिने यह उत्तम पुरुषों का रैन। उत्तम पुरुष होते हैं वो हमेशा अपने से बड़ी उम्र वाली को माता के समान देखते हैं, और बराबरी की होती है उसको बहन की तरह देखते हैं, और अपने से छोटी उम्र की बच्ची को वो बेटी के समान देखने वाले होते हैं। ऐसी जिनकी दृष्टि होती है वो परमात्मा के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, वो परमात्मा के लिए अपने हृदय में स्थान बनाते हैं। जो ऐसा पवित्र हृदय होता है, जिनके हृदय में ऐसा उत्तम सदाचार होता है, वहां परमात्मा आकर के निवास करते हैं। माता अपने पुत्रों से कहती है, बेटा तुमने हमको अभी पहचाना नहीं है, सोचो तुमने जो अभी कथानक कहा था, हम उसी कुसुमपुर नगर के रहने वाले चंदन राजा और ये तुम्हारी माता मलियागिरी। चंदन राजा कहां पर है यह हमको पता नहीं, क्योंकि 12 वर्षों से वो बंजारे के खेमे में है और पुत्र उनके यहां पर कई दिनों से काम कर रहे हैं, चंदन राजा के राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु ये चंदन राजा हमारा पिता है ये अब तक उनको भी पता नहीं है। और चंदन राजा को भी ये पता नहीं कि ये दोनों युवा, ये दोनों सैनिक मेरे पुत्र हैं,
उनको भी इस बात का पता नहीं है, लेकिन अपने हृदय के अंदर ऐसे उत्तम सदाचार को स्थान देने वाला व्यक्ति परमात्मा को सहज में प्राप्त कर लेता है, गुरु के हृदय में अपना अनन्य स्थान बनाने वाला हो जाता है। वो माता कहती है, ए प्यारे शायर नीर सुहाने लाला, ओहो शायर और नीर, तुमने हमारी इस गोदी के अंदर खेले थे, इसी गोदी में तुम बड़े हुए थे, इसी गोदी में तुमने संस्कार प्राप्त किए थे। सचमुच में सबसे पहले अगर कोई संस्कार प्रदाता इस दुनिया में होते हैं तो वो माता पिता होते हैं। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों में माँ का स्थान अपने आप में बड़ा होता है। महात्मा की पहचान भी माँ कराती है और परमात्मा की पहचान भी माँ कराती है। यदि माँ संस्कारी नहीं हो तो बच्चे परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे, गुरु से कैसे जुड़ेंगे? गुरुओं के चरणों तक ले जाने का कार्य माता पिता करते हैं। भाग्यशालियों, यदि अपने आप बच्चों को धर्म के संस्कार देते हो और गुरुओं की पहचान कराते हो तो आप सच्चे माता पिता हैं। केवल धन कमाने योग्य बना देना इतना ही दायित्व तो नहीं है, उससे भी बड़ा दायित्व आपके सामने अपनी संतति के लिए है और वो है बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को गुणवान बनाना, बच्चों को सेवानिष्ठ बनाना, अपने संग समाज और परिवार के लिए बच्चा समर्पित बन जाए। ऐसे संस्कार देने वाली माता पिता वो अपने आप में बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने वाले होते हैं। अपने बच्चों को वो इंगित करती हुई माता मलियागिरी कहती है, गोदी में खेलो चंदन कुल उजियारे, मलियागिरी माता बोल रही यह वाणी। मलियागिरी के ये शब्द सुनकर शायर और नीर दोनों आश्चर्यान्वित हो जाते हैं। ओहो, हम जिस माता पिता की खोज के लिए निकले हैं, हम जिन माता पिता से मिलने की भावना से निकले हैं, अनायास